टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एज पर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हाउस ड्रेनेज शुड प्रेफरली बी लेड बाय साइड ऑफ द बिल्डिंग। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्डिंग के साइड में होना चाहिए, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज सीवेज एंड स्लज शुड फॉलो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर जो पाइप है या ड्रेनेज सिस्टम है इट शुड फॉलो द ग्रेविटी, लाइक नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज बी फ्रॉम अपसाइड टू डाउन साइड। सी ऑप्शन इज हाउस सीवर शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज देर शुड बी नो वेंटिलेशन इन द एंटायर सिस्टम। लाइक सो फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस इट एंड राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, लेट्स सी कि आपको आता है या नहीं आता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रेनेज सिस्टम। इन नॉर्मल लाइफ वी प्रोड्यूस सम वेस्ट लाइक डब्ल्यू सी, वॉश मशीन, सिंक, किचन एंड सम अदर थिंग। इट इज कनेक्टेड थ्रू अ पाइप और ये अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू ड्रेन इन कनेक्ट विद द ड्रेनेज सिस्टम और मैन होल से। और ये मेन होल जो होता है ये रिवर या फिर नाले में कनेक्ट हो जाता है, डंप कर देते हैं, राइट। सो दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज अ ड्रेनेज सिस्टम। हाउस ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हाउस ड्रेनेज पाइप्स एंड ट्रैप्स। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रैप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रैप्स, साहनी ट्रैप्स, इंटरसेप्शन ट्रैप्स, ग्रीस ट्रैप्स, सैनिटरी फिटिंग एंड ऑल प्लम्बिंग, हाउस ड्रेनेज सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिस्टम इज ओवरऑल कॉल्ड एज द हाउस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो कुछ हमें टर्मोलॉजीज पता होनी चाहिए, जैसा होना चाहिए वेस्ट वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय द वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर व्हेन यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिसीव इंप्योरिटीज एंड बिकेम वेस्ट वाटर। लाइक आपने बाथ लिया है, आपने वेजिटेबल को वॉश किया है, इन डोमेस्टिक हो गया है, इंडस्ट्रीज के अंदर क्लीनिंग हो गया है ना, सेग्रीगेशन ऑल दिस थिंग। तो जो पानी हम फ्रेश वाटर यूज करते हैं नॉर्मली एंड व्हेन वी वर्क ऑन दिस थिंग, सो अल्टीमेटली जो पानी आता है उसको बोला जाता है इट इज कॉल्ड एज अ वेस्ट वाटर। लाइक हियर यू कैन से इट इज अ वेस्ट वाटर। दस वेस्ट वाटर इज यूज्ड वाटर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड एंड इट हैज फिजिकल ऑफकोर्स लाइक यू विल सी यू विल रियलाइज इट इज अ डिफरेंट ऑफ कलर केमिकल different color, different chemical properties, biological impurities, it should be like bacteria or some other viruses and wastewater is general term, clear? So wastewater का मतलब क्या है? जो गंदा है उसको हम बोलेंगे। गंदा कैसे हो सकता है? It can be physical, chemical and biological impurities. फिर आता है sludge का मतलब क्या होता है? What do you mean by the sludge? The wastewater coming from the bathroom and kitchen which does not contain fecal matter is known as a sludge. Fecal matter क्या होता है? Do one thing, go to Google and type this word. तो आपको देखने को मिल जाएगा। सो क्या होता है, जो पानी, जो वेस्ट वाटर किचन और बाथरूम से आता है जिसके अंदर फेकल मैटर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं स्लज, लाइक दिस। सोइल पाइप का मतलब क्या होता है? इट इज अ पाइप कैरिंग सीवेज फ्रॉम द डब्ल्यू सी, और ये डब्ल्यू सी से जो पाइप आता है उसको बोला जाता है सोइल पाइप। लाइक आपने ही देखा होगा बिल्डिंग के साइड में, तो ठीक है। एंड वेस्ट पाइप, इट इज अ पाइप कैरिंग स्लज फ्रॉम द बाथरूम, किचन, सिंक, वॉश बेसिन, सीवेज सिस्टम, और यहाँ पर इसको बोलते हैं ये वाला वेस्ट पाइप, ठीक है। अब ये तो आप क्लियर हो गया कि जो ड्रेनेज सिस्टम है इट शुड नॉट बी ऑन द फ्रंट ऑफ द हाउस। आप चाहते हो कि आपकी बिल्डिंग के सामने आपको वेस्ट पाइप दिखाई दे, सोइल पाइप या ड्रेनेज पाइप नहीं। तो जो पहला ऑप्शन था वो तो गलत है यहाँ पर, ये था ना, यस, ये शुड बी लेड बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। फिर आपने नाम सुना होगा मैन होल का। मैन होल का मतलब क्या होता है? देज आर आरसीसी मशीनरी चैम्बर्स कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल अलोंग सिवर लाइन। तो यहाँ पर एक सिवर लाइन जा रही है, यहाँ पर लाइक जो घर होंगे लाइक दिस इज हाउसेस एंड इट इज कनेक्टेड बाय द वेस्ट एंड अल्टीमेटली यहाँ पर ये फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वी आर हैविंग सम मैन होल्स, तो यहाँ पर खोल कर उसको चेक किया जा सकता है, ठीक है। ट्रैप्स क्या होते हैं? ट्रैप्स आर डिफाइंड एज अ फिटिंग at the end of soil pipes or the wastewater waste pipe to prevent foul gases coming out the soil pipes. देखो ट्रैप्स का मतलब क्या होता है, लाइक आपने टॉयलेट में देखा होगा जो डब्ल्यू वाटर क्लोजेट होता है, अगर आपको मोड देखा होगा, सो लाइक यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, लाइक आपने क्या करा, यहाँ पर वेस्ट जनरेट किया और अल्टीमेटली ये यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए पानी का प्रेशर आता है तो वापस ही आने को मना करता है, आपने देखा होगा ना ये सब चीज़ें। आप कभी अभी जाना उसमें टॉयलेट सीट में जाकर चेक करना तो आपको ये सब दिख जाएगा। इट शुड बी हैविंग सम कर्विलिनियर, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर इकट्ठा होता है एंड देन यू लाइक फ्लश करते हो तो पानी बाहर निकल जाता है, जो मटेरियल है फेकल मैटर है वो वापस नहीं आता है, इसको बोलते हैं ट्रैप्स। ये डिफरेंट तरह के टाइप ट्रैप्स होते हैं, पी एस एंड बॉटल ट्रैप भी होता है, क्यू ट्रैप भी होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी का समझो, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम। तो ऑप्शन क्या था? द राइट ऑप्शन हाउस ड्रेनेज शुड ऑलवेज प्रिफर्ड, यस ये इट इज करेक्ट। सीवर एंड स्लज शुड फ्लो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यस ऑफ कोर्स। अगर ऊपर फायर लेकर जाएंगे हम, जैसे हमारे पाइप क्या होगा ऐसा, इट शुड नॉट बी कमिंग लाइक दिस। तो हमेशा क्या होता है, जो ग्रेविटी है इट शुड फॉलो द ग्रेविटी, ठीक है। एंड द हाउस सीवर शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट, ऑफ कोर्स
अगर इस तरह से बना होगा तो फिर कैसे जाएगा, वेस्ट फंस जाएगा ना। सो देर शुड बी नो वेंटिलेशन इन द एंटायर सिस्टम। यस, यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन गलत है। देर शुड बी सम वेंटिलेशन। क्यों? आपने देखा होगा कि जो टॉयलेट की जो डक्ट्स हैं ऊपर एक पाइप खोल दिया जाता है आपकी बालकनी में होगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी जनरेट हो रहा है तो इट शुड बी हैव सम वेंटिलेशन, अदरवाइज वो फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? ये वाला, क्योंकि उसमें पूछा गया नो, तो देर शुड बी वेंटिलेशन। व्हेन आई वाज मेकिंग दिस वीडियो, तो कुछ देर पहले ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा गवर्नमेंट का, आई थिंक वो थोड़ी देर पहले का ही है, दैट नो मैनुअल स्केवेंजिंग डेथ इन द लास्ट 5 ईयर्स, गवर्नमेंट टेल इन द हाउस। तो ये 30 जुलाई मतलब अभी का है और शाम के 4 बजे की है, तो मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था। गवर्नमेंट ने राज्यसभा में ये बोला है कि पिछले 5 साल में मैनुअल स्केवेंजिंग के ऊपर कोई भी डेथ नहीं हुई है। मैनुअल स्केवेंजिंग क्या होता है देख लेते हैं, इसको आप गूगल पर जाकर चेक करना तो यू विल रियलाइज इट। तो आपको सारी की सारी फोटो यहाँ पर इस तरह से दिख जाएंगे, एंड मोस्टली इट इज फ्रॉम द इंडियन। मैनुअल स्केवेंजिंग का मतलब होता है कि हाथों के थ्रू एक ह्यूमन परस्पेक्टिव जो आदमी है बिना विदाउट वेयरिंग एनी प्रोटेक्टिव गेयर मैनुअल में जाकर साफ सफाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड द मैनुअल स्केवेंजिंग। और ये रियलिटी है इंडिया के अंदर। मैं आपको अगर थोड़ा सा फैक्ट बताऊं, गवर्नमेंट तो बोल रही है क्योंकि इसके अंदर फैक्ट में रियल गवर्नमेंट वर्क ऑन द फैक्ट, तो वहां पर तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम रियलिटी बात करें तो बहुत ज़्यादा एक परसिस्ट है इंडिया के अंदर। और ये थोड़ा सा मैंने इसके फैक्ट के बारे में पढ़ा है, तो अगर आप देखेंगे मैनुअल स्केवेंजिंग एंड रिलेटेड डाटा, तो इवन गवर्नमेंट का ही फैक्ट है, SECC, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, तो वहाँ पर बताया कि 180 मिलियन मैनुअल स्केवेंजिंग हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। तो आप समझ सकते हैं 118 मिलियन जो मैनुअल स्केवेंजर्स थे पिछले 2015 में, तो दिक्कत है। अब गवर्नमेंट सर्वे आइडेंटिफाई 12,000 मैनुअल स्केवेंजर इन 12 स्टेट, मोस्ट सेप्टिक टैंक्स आर एम्प्टी मैनुअली इन इंडियन स्टेट। जो सेप्टिक टैंक होते हैं वो कहीं ना कहीं मैनुअली साफ किए जाते हैं, और मैनुअली जो साफ करते हैं उन्हीं को बोला जाता है मैनुअल स्केवेंजिंग। स्टडी शोज 80% ऑफ इंडियन सीवेज क्लीनर्स डाइज बिफोर द टर्न 60। और ये भी एक फैक्ट आता है, जो लोग इस काम में एंगेज रहते हैं तो 80% जो उनकी डेथ होती है वो 40, 50, 60 साल से पहले ही हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा लाइक कम है, अगर इंडिया के बारे में बात करें कम से कम 15 से 20 साल एवरेज कम होता है इन लोगों का। क्यों? क्योंकि डिजीज होते हैं, बीमारियां होती है, गंदगी में रहते हैं। ठीक है, अब मैनुअल अगर मैं आपको बताऊं कि 93% मैंने जो फैक्ट पढ़ा था, जो मैनुअल स्केवेंजर्स होते हैं दे आर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, ये भी क्लियर है। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वी शुड अंडरस्टैंड वाइल मेकिंग एनी कमेंट कि लाइक प्रोटेक्टिव राइट क्यों दिए जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, SC ST जो हमारे ट्राइबल सोसाइटीज़ है, गवर्नमेंट क्यों उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वो इन्हीं के लिए करती है, बिकॉज हम लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। खैर, तो ये पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके क्या क्या रीज़न है। मैंने सिर्फ ऐसे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि टॉपिक भी सिमिलर है, और मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्रिंसिपल ऑफ हाउस ड्रेनेज। तो आप समझ सकते हैं हाउस ड्रेनेज का मतलब क्या है। तो हाउस ड्रेनेज शुड बी प्रिफर्ड बाई लेड बाई साउट बिल्डिंग टू फैसिलिट इजी रिपेयर एंड बेटर मेंटेनेंस। तो बिल्डिंग के साइड में होनी चाहिए। क्यों? अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जाते क्लियर तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हो और मेंटेनेंस के लिए इजी रहता है। हाउस इवर जॉइंट शुड बी लीक प्रूफ। ऑफकोर्स पानी जो आ रहा है वो शुड बी लाइक लीक प्रूफ, ऐसा ना कि पाइप से बाहर निकल गिर रहा है, क्योंकि अगर गिरता रहेगा तो क्या होगा, इफ बिकॉज लीकेज इफ एनी शेल क्रिएट एन ऑडर प्रॉब्लम एंड लीक वेस्ट वाटर शेल इन्फिल्ट्रेट इन द ग्राउंड एंड शेल रिड्यूस बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बिलो फाउंडेशन। अब पाइप के ऊपर गिरता रहेगा तो क्या होगा, जो फाउंडेशन होगा इट विल बिकम द वीक, और अच्छा भी नहीं लगेगा, वाटर आएगी, स्मेल आएगी। द सीवेज और स्लज शुड फॉलो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द एंटायर सिस्टम शुड बी वेल वेंटिलेटेड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। तो वेंटिलेशन तो होना जरूरी है ना। द हाउस सीवर शुड बी कनेक्टेड टू द मैन होल सच दैट इन्वर्टेड लेवल इज सफिशेंट हायर टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ द सीवेज इन द हाउस। मतलब क्या है कि जैसा मान लीजिए ड्रेनेज सिस्टम ऐसा गया है, या उसी को देख लेते हैं इमेज को, आई थिंक वीडियो लंबी ना हो जाए। अब यहाँ पर चीज नोटिस करो, ये पाइप क्या है ना, ग्रेविटी फॉलो कर रहा है। क्यों? अगर यहाँ पर पानी भर भी जाएगा तो ये वापस तो नहीं आएगा। अब सोच कर देखो कि वन टाइम आप वॉशरूम में गए, वहाँ देखा तो पूरा आपका वॉश बेसिन भरा हुआ है। क्यों? अगर ये मैन होल का ऊपर हो जाएगा ना लेवल, तो वापस भी आ सकता है। तो बैकलैश होने से बचने के लिए ये लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर ग्रेविटी कैसा करना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी इट इज गोइंग टू बी डिस्कस लाइक ट्रैप्स क्या होते हैं, और PQRS जरूरी है। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर नाटक की प्रिपरेशन, क्योंकि नाटक ने ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया जो आज तक ऐसे टॉपिक नहीं आते थे, लेकिन हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन वर्कआउट फॉर इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।